नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फिल्म ने कल अपने सातवें दिन कितना कलेक्शन किया, इसकी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी आपको। साथ ही दोस्तों, आज फिल्म को कितनी एडवांस बुकिंग मिली है और इस एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म आज कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र फिल्म का कलेक्शन शुरुआती तीन दिनों में, फर्स्ट वीकेंड में तो काफी अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद में फिल्म के कलेक्शन में लगातार ड्रॉप देखने को मिला था और ये ट्रेंड कल भी जारी रहा। और कल पहला ऐसा दिन था जिस दिन इस फिल्म का कलेक्शन सिंगल डिजिट में आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि छठे दिन इस फिल्म का कलेक्शन था 10.53 करोड़ रुपीज इंडियन नेट। और कल फिल्म के कलेक्शन में फिर से ड्रॉप हुआ, करीब 2 करोड़ रुपए का ड्रॉप हुआ। और फिल्म का सभी भाषाओं को मिला करके पूरा इंडिया नेट कलेक्शन रहा मात्र 9 करोड़ रुपीज। जी हाँ दोस्तों, केवल 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म को कल मिला है। तो दोस्तों, फिल्म का जो कलेक्शन ज्यादातर आ रहा है वो आईमैक्स वर्जन से आ रहा है, आईमैक्स 3D से आ रहा है। इसके अलावा जो नेशनल थिएटर चैन है, चाहे PVR हो, आईनॉक्स हो या सिनेप्लेक्स हो, वहां से फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन 2D वर्जन का कलेक्शन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है और यही हाल इंटीरियर्स की है। वहां भी फिल्म का बज काफी कम हो चुका है, कलेक्शन काफी ड्रॉप हो चुका है। अभी जो 9 करोड़ का कलेक्शन आया, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, केवल हिंदी वर्जन से 8.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है, तेलुगु वर्जन से 47 लाख रुपए का कलेक्शन आया है, वहीं दोस्तों तमिल वर्जन से करीब 6 लाख रुपए के आसपास कलेक्शन आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार फिल्म ब्रह्मास्त्र का जो फर्स्ट वीक का जो टोटल कलेक्शन है वो हो जाता है 173.20 करोड़ रुपीज, जिसे ठीक कहा जा सकता है। इस अर्थ में कि बॉलीवुड की किसी भी फिल्म ने इतना कलेक्शन फर्स्ट वीक में नहीं किया था, तो उस हिसाब से कलेक्शन अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि बजट बहुत ज्यादा है, 410 करोड़ रुपए है, तो फिल्म के लिए बजट हासिल करना संभव नहीं लगता, किसी भी हालत में संभव नहीं है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। हालांकि मैंने कई चैनल्स देखे हैं, कई जगह मैंने रिपोर्ट्स देखी है मीडिया की, जो फिल्म को ऑलरेडी हिट घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हिट घोषित करने से होता कुछ नहीं है। एक्चुअल रिपोर्ट आपके सामने देना मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट दे रहा हूँ। 173 करोड़ रुपीज का कलेक्शन है, जो अच्छा है, लेकिन यह हिट होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इसका ग्रोस कलेक्शन देखा जाए, इंडिया का ग्रोस कलेक्शन देखा जाए फर्स्ट वीक का, तो करीब 205 करोड़ रुपए के आसपास इसका ग्रोस कलेक्शन है। और अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो करीब 295 करोड़ रुपीज का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है, क्योंकि करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास इसका ओवरसीज से कलेक्शन रहा है। फिल्म ने UK, USA और दोस्तों बाकी भी गल्फ कंट्रीज है, सभी जगह से, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां से फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छे रिस्पांस की रिपोर्ट आ रही है। तो 295 करोड़ रुपीज का ये मान लीजिए कि आप फर्स्ट वीक का ग्रोस कलेक्शन है। और कहा जा रहा है कि और चीज ने इसमें, इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जो भी डाटा जा रहे हैं उसके हिसाब से तो फिल्म का कलेक्शन अच्छा ही बताया जा रहा है। तो 295 करोड़ रुपीज ग्रोस कलेक्शन है, लेकिन फिल्म का बजट 410 करोड़ रुपए, आपको मैंने पहले ही बताया था। और इस बजट को नेट कलेक्शन के थ्रू पार करना होगा अगर ब्रह्मास्त्र को हिट होना है तो नेट कलेक्शन के थ्रू इस कलेक्शन को पार करना किसी भी हालत में संभव नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रविवार को फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा, आज भी थोड़ा कलेक्शन में ग्रोथ होगी, लेकिन यह ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी कि फिल्म को हिट बना सके। ये डेफिनेटली साफ साफ नजर आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म का इतना अच्छा कलेक्शन आ चुका है, 295 ग्रोस कलेक्शन हो गया, तो लेकिन ग्रोस कलेक्शन से फिल्म हिट नहीं होती है, फिल्म नेट कलेक्शन से हिट होती है। अगर इसका अपन उस तरह से देखें कि वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की जगह वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करें, तो 240 करोड़ रुपए के आसपास वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन हुआ है अभी तक इस फिल्म का। तो कैसे, किस हिसाब से, मतलब ये फिल्म हिट हो सकती है? अभी भी फिल्म को हिट होने के लिए करीब करीब मतलब 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करना होगा, तब कोई जाकर के ये फिल्म हिट हो सकती है, तो ये संभव नहीं लगता किसी भी हालत में। तो ब्रह्मास्त्र फ्लॉप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी बड़ी फ्लॉप होती है केवल ये देखने की बात है, कोई कुछ भी गए, चाहे कोई कितना भी सेलिब्रेशन करे, कितने भी दलीली दे, लेकिन फिल्म हिट नहीं है, फिल्म फ्लॉप है। दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज ये फिल्म को करीब 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग का मतलब कल से अच्छी एडवांस बुकिंग आज फिल्म को प्राप्त हुई है। कल फिल्म को करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई थी और आज 3 करोड़ की। इसका मतलब कि आज कुछ ग्रोथ होगा कलेक्शन में। और आज ये कलेक्शन, कल 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया था, तो आज ये कलेक्शन करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास जा सकता है, ऐसा शुरुआती प्रेडिक्शन है मेरा। आगे इसका जो एक्यूरेट कलेक्शन आता है, जो भी कलेक्शन की पूरी रिपोर्ट्स आती है कि मॉर्निंग शो और इवनिंग शो और आफ्टरनून शो में कैसे थिएटर ऑक्यूपेंसी रहती है, उसके अनुसार मैं आपको आज जो शाम को वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जानकारी दूंगा कि फिल्म ने एक्चुअली आज कितना कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।